हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन हाई स्कूल क्लासेस। तो आज आम ए वीडियो रे डिस्कस करिबा त्रिकोणमितीर एक्सरसाइज 4 रो सी रो बेसिक कांसेप्ट। देखो पूर्वरु आम 4 रो बी आम कंप्लीट करथिले, तो वर्तमान स्टार्ट करिबा एक्सरसाइज 4 रो सी। तो वीडियो स्टार्ट करिबा। बर्तमान आम देखा उच्चता और दूरता मान कौन। देख ये तो आम आगर जाने उच्चता मान हूँ कौन। देख जदि गोटे एक्जामपल ने मन कर देख यहाँ हूँ कौन, गोटे छटिया स्तंभ। ताहले कौन देख यार प्रांत बिंदु आ शीर्ष बिंदु मध्य जो व्यवधान को आम कौन कह उच्चता कह बुझा पड़ चुना। तो से हीपरी दूरता मान कौन देख मन कर आम दुईट वस्तु ने तो निकट में थोड़ा कौन दुईट वस्तु ने तो से जो दुईट वस्तु मध्य व्यवधान कि अंतर को आम कौन कह दूरता कह बुझा पड़ी कि। तो यह सब आम कौन आगर पढ़ी आसुअे। ताल देख ये जो दूरता हो कि जो उच्चता को आम माप फिता द्वारा मापिकी आम कौन तार दूरता कि उच्चता आम निर्णय करें। देख ये आम कौन देख दुईट वस्तु कौन पाखे अच्छी आम माप फिता द्वारा आम मापि पारे। जदि देख कहाड़ उच्चता निर्णय कर कि गोटे मंदिर उच्चता निर्णय कर कि देख गोटे नदी दुईट विपरीत दिगरे वस्तुर दूरता निर्णय कर। ताहले ए क्षेत्र में आम कौन माप फिता द्वारा मापि पार कि मापि पार ना। ताहले ए क्षेत्र में कौन ताको आम माप फिता द्वारा कि प्रत्यक्ष भाव में न मापि पार तहार उच्चता और दूरता आम निर्णय कर। तो आम कौन कह प्रयोगात्मक दिग बोली कह कह प्रयोगात्मक दिग बुझा पड़ी। तो प्रयोगात्मक दिग मान हूँ कौन देख गोटे पहाड़ उच्चता कि गोटे मंदिर उच्चता कि गोटे नदी दुई विपरीत दिगरे वस्तुर दूरता को आम प्रत्यक्ष भाव में न मापि पार तार उच्चता और तार दूरता को आम बाहर करें कौन कह प्रयोगात्मक दिग बोली कह। क्षेत्र में त्रिकोणमितीर प्रयोग में आम यार समस्या को समाधान कर। तो यार समस्या को समाधान करने पूर्व आम तीनो तत्व विषय जाना। जदि आम यही तीनो पॉइंट विषय में जाणीदे ताहले हमको एक्सरसाइज 4 रो सी करिबारे आउ किछि कष्ट लागिबो नाही। ताहले देखो फर्स्ट पॉइंट होछ कोन देखो एठारे आमे जानिबा अनुभूमिक सरल रेखा माने कोन आमे जानिबा। तो सेहिपरि सेकंड पॉइंट रे कोन कौणिक उन्नति माने कोन आमे जानिबा। तो सेहिपरि थर्ड पॉइंट कोन कौणिक अवनति माने कोन आमे जानिबा। तो फर्स्ट आमे देखिबा कोन अनुभूमिक सरल रेखा माने कोन। देखो आमे तो जानिछे कोन पृथ्वी होछ कोन गुटे गोलाकार। देखो पृथ्वी होछ कोन गुटे गोलाकार होइ के रहिथिबो। तो जदि देखो आम पृथ्वीर गोटे छोटिया क्षुद्र अंश को जदि नेबा तो ये जो क्षुद्र अंशा हूँ कौन आमको देखिबारे कौन पूरा समतल होकि ही देखा जिवो बुझा पड़ी ना। तो आम कौन पृथ्वी पृष्ठ से बास करे तो आमको देख भूमि केमी देखा गोटे समतल भाव में ही देखा। पृथ्वी कौन गोलाकार किंतु आमको कौन भूमिटा पूरा समतल भाव में ही देखा। ताहले कौन जदि आम पृथ्वीर गोटे क्षुद्र अंश को नेबा ताहले ताहा कौन आमको समतल भाव में ही देखा। ताहले देखो ये देखिए कौन अनुभूमि सरल रेखा मैंने कौन देख समतल सहित समांतराल जेकोसी सरल रेखा को आनुभूमिक सरल रेखा बोली कह। माने देख गोटे समतल सहित जदि आम गोटे समांतराल सरल रेखा अंकन करवाकूम कौन कह आनुभूमिक सरल रेखा बोली कह। देख यठार ओ ए हूँ कौन गोटे आनुभूमिक सरल रेखा बुझा पड़ी। यहाँ कौन समतल सहित समांतराल गोटे सरल रेखा अंकन करागला। ठीक अच्छे आम जाणीदे आनुभूमिक सरल रेखा मैंने कौन आम जाणीदे। तो से नेक्स्ट आम देखा कौन कौणिक उन्नति मान कौन। देख यह चित्र माध्यम आम बुझा। ताहले देख ये ओ ए हूँ कौन गोटे आनुभूमिक रेखा। तो यार देख पी हूँ गोटे वस्तु बुझा पड़ा। पी हूँ गोटे वस्तु एवं ओ ए हूँ कौन गोटे आनुभूमिक रेखा। तो ये कौन ये गोटे दर्शक भाव ठिया हो तो सी कौन ये ओ बिंदु सी ये से वस्तु को देखुची। ताहले देख ये जो वस्तु को देखापी तो सी कौन उपरक अनेक पड़ा ना ना। तो कते डिग्री कोण से अनौर बुझा पड़ी। ताहले देख ये कौन गोटे कोण ये सृष्टि होती तो से कोण को आम कौन कह कौणिक उन्नति बोली कह बुझा पड़ा ना। तो कौणिक उन्नति मान हूँ कौन देख ये कौन आखिटा कौन उपरक अनैले ही कौन ए वस्तुटा देखा बुझा पड़ा। ताहले से केते डिग्री कोण से अनौर तो से कोण को आम कौन कह ये कौणिक उन्नति बोली कह। देख ये लिखाई ओ ए रश्मि देख ओ ए रश्मि तो सेपरी कौन ओ पी
रश्मि। रश्मिद्वय अंतर्गत कोण को, रश्मिद्वय अंतर्गत कोण को ओ बिंदु रे पी बिंदुर कौन कह कौणिक उन्नति बोली कह इंग्लीश कौन कह एंगल ऑफ एलिवेशन बोली कह बुझा पड़ा ना। तो नेक्स्ट आम देखा कौन कौणिक अवनति मान कौन देख ये कौन थी ये कौन वस्तुटा उपर था तो ये कौन ए वस्तु को देखापी आम कौन उपरको अनेक पड़ूगा कितु कौणिक अवनति मान कौन देख एठार देख ओ ए हूँ कौन गोटे आनुभूमिक रेखा तो ये पी हूँ कौन गोटे वस्तु तो ये ओ पाखे कौन गोटे चक्षु अच्छी तो ये जो पी वस्तु को अनेबाई कौन करा पड़ो आम कौन तौक अन पड़ बुझा पड़ी तो तौक अनवा द्वारा जो कण सृष्टि हो सी कण को आम कौन कह कौणिक अवनति बोली कह बुझा पड़ी ना। तो कौणिक उन्नति मान कौन ये कौन आम उपरको अनुचे मान कौन वस्तुटा उपरे अच्छी कौणिक अवनति मान कौन वस्तुटा तले अच्छी मान कौन आम तौक निक्षेप करुचे बुझा पड़ा तालोले यू आम कौन कह कौणिक अवनति बोली कह देख लिखाई ओपी रश्मि एवं ओए है ओपी रश्मि ओए अंतर्गत कोण को ओ बिंदु रे पी बिंदुर कौणिक अवनति बोली कह कि आम कौन एंगल ऑफ डिप्रेशन बोली कह एंगल ऑफ डिप्रेशन बुझा पड़ा तामें जान लें कौन आनुभूमिक सरलरेखा मान कौन तो सेपरी कौणिक उन्नति मान कौन एवं कौणिक अवनति मान कौन आम जानदेले देख ये आम आउ गोटे पॉइंट मन रखीद तो देख ये कौणिक उन्नति बा कौणिक अवनति को निर्णय करिवारे आमे गोटे जंत्र व्यवहार करवा तो से जो जंत्र साहाज्यरे आमे कौन कौणिक उन्नति बा कौणिक अवनति को आमे निर्णय करिपारिबा तो से जंत्रर नाम होची कौन सेक्सटैंड आमे कौन थियोडोलाइट बोली कहिबा बुझा पड़ी तो से जंत्रर नाम होची कौन सेक्सटैंड आमे थियोडोलाइट बोली कहिबा। नेक्स्ट आमे देखो केतरा एग्जांपल करिबा तो वर्तमान आमे देखिबा उदाहरण सतर देख ये कौन दीजिए एक अट्टालिकार पादेश 75 मीटर दूर से एक समतल गोटे बिंदुर अट्टालिकार शीर्षर कौणिक उन्नतिर परिमाण देते 30 डिग्री ताल कौन ये अट्टालिकार उच्चता निर्णय करने देख फास्ट कौन गोटे अट्टालिका तो आम मन कर देख एटा कौन गोटे अट्टालिका ठीक अच्छे यहाँ हूँ कौन गोटे अट्टालिका ताल देख अट्टालिकार पादेश देख ये आम क्वेश्चन भल भाव बुझा पादेश मैंने अट्टालिकार कौन पादेश 75 मीटर दूर से एक समतल गोटे बिंदु बुझा पड़ी अट्टालिकार पादेश 75 मीटर मनेकर देख आम नहीं जा 75 मीटर दूर से है समतल गोटे बिंदु बुझा पड़ी ना। तो यहाँ हूँ कौन समतल गोटे बिंदुर अट्टालिकार शीर्षर कौणिक उन्नतिर परिमाण 30 डिग्री देख ये कौणिक उन्नति देखिए तो कौणिक उन्नति मान हूँ कौन देख गोटे आनुभूमिक रेखार ऊपर जदि वस्तु रहा आम कौन कह कौणिक उन्नति कह कौन से कौणिक उन्नतिर परिमाण के 30 डिग्री मान कौन एठारे कौन जो कौणिक उन्नतिर परिमाण मान ये कोण हूँ के 30 डिग्री बुझा पड़ी ना। तो आम मनेकर नहीं जी देख ये जो अट्टालिका कौन आर पादेश को आम ए नेबा एवं तार जो कौन शीर्ष को आम बी नहीं जा रहा आम कौन ओ नहीं जा बुझा पड़ी ना। तो कौन पचारा अट्टालिकार उच्चता पचार मैंने कौन ये आम है अट्टालिकार उच्चता मैंने कौन आम ए बी रर्घ्य आम बाहर करवा क्वेश्चन बुझा पड़ा तामें लिखा देख ये आंसर में फास्ट लिखा कौन एठे देख ओ ए हूँ कौन समतल अवस्थित गोटे रेखाखंड तुम्हें लिखा कौन एठे ओ ए समतल अवस्थित एक रेखाखंड ठीक अच्छे ओ ए हूँ कौन समतल अवस्थित एक रेखाखंड तो सेपर नेक्स्ट कौन एठार ए बी हूँ कौन अट्टालिकार उच्चता तुम्हें लिखा ए बी हूँ कौन अट्टालिकार उच्चता बुझा पड़ी तो ये देख ये जो अट्टालिकार शीर्ष बिंदु हूँ कौन बी तो आम लिखिपर कौन अट्टालिकार शीर्ष बिंदु हूँ कौन बी ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट देख एठार कौन ये जो कोणर नाम हूँ कौन एंगल ए ओ बी लिखिदे आम एंगल ए ओ बी इक्वल टू केते 30 डिग्री तो सहीपरी देख आम क्वेश्चन में कौन दी अट्टालिकार पादेश मानते देख ए बिंदु है 75 मीटर दूर से गोटे बिंदु अच्छे मैंने कौन एठार जो बिंदु यहाँ आम के दूरता हूँ के 75
बुझा पड़ी ना तो आम जान लें कौन एठारे ओ एठारे कौन ओ एक्वल टू के 75 मीटर बुझा पड़ा। तो देख यहाँ हूँ कौन देख गोटे समकोणी त्रिभुज रूप में अच्छी ना यहाँ हूँ कौन गोटे समकोणी त्रिभुज ताल आम लिखा कौन एठारे कौन त्रिभुज ओ ए बी एक समकोणी त्रिभुज एक समकोणी त्रिभुज ताल देख ये समकोणी त्रिभुज आम जानचे कौन कर्ण हूँ ये कर्ण ना ना यहाँ भूमि आटा हूँ कौन लंब। तो देख ये जो कर्ण भूमि आंब रे बहुत पे कन्फ्यूज होती तो किसी कन्फ्यूज होबार ना देख ये आम जो कोण दे तो से कोणर विपरीत बाहू को आम कौन सब लंब ना बुझा पड़ी एवं से कोणर संलग्न बाहू को आम कौन सब कौन भूमि ना ठीक अच्छे एवं यहाँ हूँ कौन कर्ण बुझा पड़ा। तो देख ये आम क्वेश्चन कौन पचार अट्टाकार उच्चता निर्णय कर ताल अट्टाका हूँ कौन एटे कौन ए बी होची अट्टालिका तो ए जो ए बी रो उच्चता हमें बाहर करबा को पड़िबो माने हम कोन पी रो वैल्यू हमको बाहर करबा को पड़िबो ताले देखो एठारे भूमि रो दर्घ्य अछि एवं कोन देखो ए जो कोण रो परिमाण दैछि केते 30 डिग्री ताले हम कोन पी रो वैल्यू हमको बाहर करबा को पड़िबो ताले देखो एठी हमें कोन त्रिकोणमिति रो अनुपात हमें यूज करबा किमा व्यवहार करबा। तो देखो एडा होची बी आ एडा होची कोन पी तो हम दरकार कोन हमको पी रो वैल्यू हमको दरकार माने देखो हमर जो त्रिकोणमिति रो सूत्र करे तो पी आउ बी रही क्यों सूत्र अच्छी तो सीटा हो टेन तो टेन हो पारे कि कोट हो पार बुझा पड़ी ना। तो टेन थीटार सूत्र आम जानी कौन पी बाय बी हो ना ना तो आम कौन एठार टेन थीटार सूत्र आम प्रयोग करके कौन पी रैल्यू आम बाहर कर बुझा पड़ी। तो देख ताल जानी कौन एठार टेन थीटार सूत्र हूँ कौन पी बाय बी ताल नेक्स्ट लिखा टेन ये थीटा मैंने कौन देख यहाँ हूँ कौन थीटार परिमाण के 30 डिग्री ताल लिखा ये कौन टेन 30 इक्वल टू पी मैंने कौन ए बी ना ना पी मैंने कौन ए बी तो लिखिद ए बी बै बी मैंने भूमि हूँ कौन ओ ए तो नेक्स्ट देख लिखा आम कौन टेन थर्टी इक्वल कौन ए बी बै ओ ए मैंने के देख 75 तो ये लिखा कौन 75 तो यार नेक्स्ट स्टेप देख ये कौन 75 टा कौन हर में अच्छे एपटे आसने मैंने कौन हो गुणन होता ये कौन हम 10 30 इंटू कौन 75 इक्वल टू कौन ए बी हम बुझा पड़ा। तो नेक्स्ट कौन देख ये 10 30 वैल्यू आम जानचे कौन 1/√3 इंटू कौन अच्छी 75 इक्वल टू कौन ए बी बुझा पड़ी। तो यार नेक्स्ट स्टेप कौन करवा देख ये कौन अच्छी 1/√3 अच्छी है तो आम कौन करवा तले उपरे आम कौन √3 जब आम गुणीदे कौन 1 × √3 बै तले कौन √3 √3 हम बुझा पड़ी ना तले उपरे मैं कौन कली √3 √3 गुणन कली तो इंटू कौन अच्छी 75 इक्वल टू ए बी तो यार नेक्स्ट देख एठारे कौन हम 1 × √3 कौन हम √3 हम तो √3 × √3 कौन बै 3 हम इंटू के 75 इक्वल टू कौन ए बी ताल आम कैनसल करवा तो 3 × कौन 3 × 6 नेक्स्ट कौन 3 × 15 ताल ये के देख 25 √3 25 √3 इक्वल टू कौन आसला ए बी ताल ए बी इक्वल टू कौन 25 √3 तो ये आम √3 वैल्यू के 1.732 तो देख नेक्स्ट आम कौन 25 × कौन 1.732 करवा इक्वल टू ए बी ताल नेक्स्ट देख 25 × जो 1.732 अच्छी तो आम कौन लिखिपर 1732 लिखा बै कौन दशमी पर तीन टा संख्या मैंने आम एक तीनो शून्य आम देवा इक्वल टू कौन ए बी बुझा पड़ी। ताल देख आम आपको कैनसल करवा 25 × 100 ये शून्य है 1732 बै के रहा 40 देख आम ये 1732 बै कौन 40 ताल यू आम लिखिपर कौन एटी 43.3 हम देख दशमी पर कौन गोटे संख्या ये कौन एक गोटे शून्य अच्छी मानते दशमी पूर्व आम गोटे संख्या देले बुझा पड़ा। ताल के आसला 43.3 ये आंसर हो 43.3 इक्वल टू ए बी तो ए बी मान हूँ कौन ये अट्टाकार दर्घ्य हूँ के 43.3 मीटर बुझा पड़ा कि देख आम करवा उदाहरण 18 तो ये कौन दे देख 30 मीटर उच्च गोटे वृक्षर अग्रभागर एक समतल व वृक्षर पादेश कि दूर से गोटे बिंदुर कौणिक अवनतिर परिमाण दे 30 डिग्री देख पूर्व क्वेश्चन कौन थी कौणिक उन्नति था ये कौन अच्छी कौणिक अवनति अच्छी बुझा पड़ी ना। ताल देख ये कौन आम गोटे वृक्षर उच्चता देती के 30 मीटर
फास्ट देख आम गोटे वृक्ष नहीं जा तो यार उच्चता हूँ के 30 मीटर ताको ना दे देबा ए आउ बी उच्चता होची केते 30 मीटर तो ये देची कौन हले वृक्षर अग्रभागर गोटे समतल वृक्षर अग्रभागर कौन गोटे समतल रे वो वृक्षर पाददेश माने होची कोडा एडा वृक्षर पाददेश रु किछि दूर रे थिबा गोटे बिंदु वृक्षर पाददेश रु किछि दूर रे मन कर आमे नै जिबा किछि दूर रे थिबा गोटे बिंदु को आमे पी नै जिबा तार कौन कौणिक अवनितर परिमाण कौन देख माने कौन एडा होची कौन गोटे आनुभूमिक रेखा कौणिक अवनति माने कौन तल को जीवन नहीं तो यहाँ कौन एक कोणर परिमाण देते 30 डिग्री बुझा पड़ी ना देख आम पढ़ी कौन कौणिक अवनति माने हूँ कौन देख आनुभूमिक सरल रेखार ये कौन तले ये कौन पी बिंदुटा अच्छे ताल कौन ये तुम जो तले ये कोण को आम कौन कौणिक अवनति बोली कह बुझा पड़ी ताल एक कोणर परिमाण के 30 डिग्री ताल क्वेश्चन पचारा कौन वृक्षर पाददेश बिंदुर उक्त दूरता मैंने देख वृक्षर पाददेश बिंदुर दूरता आम यहाँ बाहर करवा मानने ये कौन बी आउ पी रूरता आम बाहर करवा बुझा पड़ा ना ताल देख एटा जदि 30 डिग्री है तेल एटा मध्य कौन हम 30 डिग्री हम कहीं देख ये कौन दुईट कौन सामांतर सरल रेखा तो यहाँ 30 है मानने कौन एटा 30 कहीं परस्पर कौन एकांतर हम ताल ये केत 30 डिग्री हम बुझा पड़ा ताल कौन आम पचार कौन ये बी पी रर्घ्य आम बाहर करवा मान यहाँ हूँ कौन भूमि ना ना तो यहाँ हूँ कौन लंब देख ये कोण रण विपरीत बाहू को आम कौन लंब नेबा तो से कौन कर्ण बुझा पड़ा ताल कौन आमको दरकार कौन बी पी मानने भूमि दर्घ्य आम बाहर करवा ताल बी को रिलेटेड कौन त्रिकोणमितीर क सूत्र आम 10 सूत्र ही यूज करवा देख आम सर लिखा कौन फास्ट लिखा कौन एठार बी ए हूँ गोटे वृक्षर उच्चता ये कौन बी ए हूँ वृक्षर उच्चता ठीक अच्छे तो नेक्स्ट कौन देखिए कौणिक अवनति माने ए कोण तो ए कोण नाम देख मन कर कौन डी दे देबा ताहले एडी कौन एंगल डी ए पी एंगल कौन डी ए पी इक्वल टू के 30 डिग्री ताहले एडा जदि 30 होला ताहले कौन एडा मध्य 30 हबो तो एडी मु डायरेक्ट लिखि दउछि कौन एठारे एंगल ए पी बी एंगल कौन ए पी बी इक्वल टू के 30 डिग्री ही हबो हला देखडी कौन त्रिभुज ए बी पी रे लिखिदे आम कौन त्रिभुज ए बी पी रे एठी एंगल ए पी बी एंगल ए पी बी इक्वल कौन है 30 डिग्री है दरकार कौन आमको भूमि दरकार कौन गोटे समकोणी त्रिभुज तो देख ये भूमि मानने कौन ये बी अच्छी मानने आम कौन 10 सूत्र आम पकड़ा तो 10 थीटा सूत्र हूँ कौन पी बाय बी नेक्स्ट कौन देख 10 थीटा मानने कौन ये थीटा हूँ के 30 डिग्री तो लिखा ये कौन 10 30 डिग्री इक्वल टू ये पी मानने कौन देख यहाँ हूँ कौन पी मैंने कौन वृक्षर उच्चता हूँ ए बी ए बी बाय बी मैंने लिखा आम बी पी तो नेक्स्ट स्टेप देख 10 30 इक्वल टू ए बी मैंने केोश्चिन देर 30 बाय कौन बी पी तो आम कौन आम बीपी रर्घ्य दरकार तो बीपी आम बाहर करवा नेक्स्ट देख 10 30 रैल्यू हूँ के 1/√3 इक्वल टू कौन 30 बाय बी पी तो नेक्स्ट कौन हम बोले आम वज्रणन करवा बी पी इक्वल टू कौन हम 30 √3 बुझा पड़ा ताल 30 √3 रैल्यू हूँ के 1.732 तो नेक्स्ट देख कौन करवा 30 × लिखिद 1732 बै 1000 लिखिद बुझा पड़ा ये शून्य को शून्य आम कैनसल करवा तो नेक्स्ट देख 1732 × 3 गुणवा देख 3 × 2 कौन 6 × 3 = 9 3 * 21 3 × 3 = 2 = 5 तो कौन 5196 बै के 100 अच्छी कौन हम देख ये 2 0 मानने कौन 2 संख्या पूर्व आम दशमिक पक मैंने 51.96 बुझा पड़ा ताल देख आमर कौन ये बीपी रर्घ्य हूँ के 51.96 मीटर तो लिखिदेव ये कौन एकक हूँ मीटर बुझा पड़ा कि तो यहपर भाव में कौन आम कौणिक उन्नति एवं कौणिक अवनति थी तार गणित गुड़ा किपर आम करवा जाणीदे तो नेक्स्ट देख आउ के उदाहरण अच्छी तुम्हें सीटा निजे कर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करवा एक्सरसाइज 4 रो सी।